देख रहे हैं जो तुमको पहले लाइन छोड़वाई थी, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। अगर हम लोग किसी प्लेन मिरर की बात करते हैं, अगर हम लोग किसी प्लेन मिरर की बात करते हैं तो उस प्लेन मिरर के केस में, उस प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वो जो प्लेन मिरर है, वो जो भी हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, उसको रेस बना, उसको इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट टू रेस की जरूरत पड़ेगी। जो भी हमारा प्लेन मिरर है उसको कोई भी इमेज बनाने के लिए कितनी रेस की जरूरत पड़ेगी? एटलीस्ट टू। ठीक है, तो अगर ये मेरा प्लेन मिरर है, इफ दिस रेड मिरर इज माय प्लेन मिरर, और इससे इससे 30 मीटर की डिस्टेंस पे, इससे 30 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। ठीक है, अब ऐसे में जो रे कहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे गिरेगी, जो रे इस पॉइंट पर गिरेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्यों? मतलब जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो हमने कल पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर ऐसे बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ऐसे में, ऐसे में जब यहाँ पर मैं आई लिखूंगी तो बाय आई व्हाट आई मीन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे, हम लोग जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे कि ये वाला जो एंगल आर बने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या हो, इक्वल हो, और इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतनी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी कल। अब मानो अगर कोई रे इस तरीके से स्ट्रेट चली जाए, अगर कोई रे इस तरीके से मिरर सरफेस पे कैसे चले जाए, स्ट्रेट, तो जब वो स्ट्रेट जाएगी तो वापस भी कैसे आएगी, स्ट्रेट। अब देखा जाए तो मेरे पास दो रेज है, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। क्या इन दोनों को रोड्स को देखकर लग रहा है कि इसमें ये दोनों कभी भी मिलेंगी? अगर एक यहाँ जा रहा है और दूसरा वहां जा रहा है तो क्या ये दोनों लोग कभी मिलेंगे? और क्योंकि ये दोनों लोग कभी नहीं मिलेंगे तो क्या हमें इन्हें जबरदस्ती मिलवाना पड़ेगा? हाँ, कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ से इसे पीछे खींचेंगे और यहाँ से इसे पीछे खींचेंगे ताकि वो मिले नहीं बट एटलीस्ट मिलते हुए दिखे, ताकि वो मिले नहीं बट एटलीस्ट मिलते हुए दिखे। इस तरह के से जो इमेज बनती है, इस तरीके से जो इमेज बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। इस तरह की जो इमेज बनती है जहाँ पर रेज मिलती नहीं बट हमको मिलवाना पड़ता है, दे अपीयर टू मी, ऐसा लगता है मिलकर आ रही होंगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो ये होगी मेरी ए डैश बी डैश। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए थे बेटा? पहली बात तो वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, नॉट फाउंड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज इन फ्रंट, सेम डिस्टेंस behind the mirror as in front। ये पूरी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक बार देख लो, बहुत अच्छा है, याद रखने जैसा है। द इमेज इज लैटरली इनवर्टेड, इमेज इज लैटरली इनवर्टेड, lateral inversion का मतलब क्या होता है, when the left of the object appears right of the image and right of the object appears left of the image,
वेन द लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा. जब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट दिखता है, जब ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट दिखता है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. जब तुम लोग मिरर के सामने इस तरीके से खड़े होगे, ठीक है, तो तुम्हारा राइट हैंड है वो तुम्हें मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड, और जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में क्या दिखेगा. इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. ये कहाँ यूज होता है बेटा, तुमने देखा होगा बहुत बार एम्बुलेंस में जो आगे का साइड होता है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है. मतलब लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, ऐसा, लेकिन लिखा हुआ कैसा होता है, उल्टा. क्यों? क्योंकि जब आप अगर एम्बुलेंस के आगे ड्राइव कर रहे हो तो ये उल्टा होके फिर से क्या हो जाएगा, उल्टा. तो उल्टा होके उल्टा हुआ मतलब वो कैसा दिखेगा हमें, सीधा दिखेगा, और हम लोग उस एम्बुलेंस को साइड दे देंगे. ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट लिख लो, उसके बाद आगे की कहानी सुनाते. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 meter फ्रॉम अ प्लेन मिरर. Find the position of the image formed. Find the position of the image formed. Question number 2. A plane mirror forms. A plane mirror forms an image of an object kept 20 centimeters away from it. A plane mirror forms an image of an object kept 20 centimeter away from it. Find the distance between, find the distance between object and image. Object and image.